खत्म अल्लाम अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है सील कर दिया है यानी सील हो गई अब कोई चीज़ उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकती वायला समीम और उनके कानों पर भी वाइला अबसवारम और उनकी आंखों पर भी गशावत पर्दा पड़ चुका है वह अहदाबन और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार कर रखा है अल्लाह ने और यादबिल्ल من النار اللهم ना من النار अच्छा कुरान का तालब इिल जब इस तरह की आयात पढ़ता है ना तो वो परेशान हो जाता है कि भई कुरान तो बहुत स्ट्रेट फारवर्ड है और आप देख रहे हैं कि अल्लाह तला के मिजाज में वो चीज़ें नहीं हैं जो आपको मीठे मीठे वाइजीन बताते हैं इसलिए मैं कहता हूँ किताबों का खुदा और है और बाबों का ख़ुदा और कुरान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि ये कलाम करने वाला कौन है अल्लाह बेपरवाह है और वो इसी पैशन के साथ बात करेगा तो आप भी अल्लाह को सीरियस लेंगे ना और अगर आपको ये कहानी कराई जाएगी खैर है एक जैसे एक नानी माँ होती है एक दादी माँ होती है तो अल्लाह ताला तो नानी और दादी से भी बढ़ के रहम करने वाला है ये कहानी ये किस आयत में किस हदीस में लिखी हुई है ये बात और मैं इसको फिर एंटीवैनम इल्जामी जवाब के तौर पर फकी के तौर पर कहता हूँ कि अगर ये नानी दादी और माँ के साथ आप अल्लाह को तशबी दे रहे हैं उसकी मोहब्बत को तो क्या ये नानी दादी और माँ वाली मोहब्बत अल्लाह तला की अबू जहल और फिरौन के साथ भी है तो सारे कहेंगे नहीं तो जो कलमा पढ़ के अल्लाह के नाफरमान और बागी है उनके साथ भी है नहीं जो अल्लाह की तरफ रुजू ले आए उनके लिए पूरे कुरान में एक आयद भी ऐसी नहीं है कि जो अल्लाह का बागी हो रुजु ना लाने वाला हो अल्लाह कहता हो मैं उसको माफ करने वाला हूं हमेशा यह है कि जो तोबा कर ले अपनी इसलाह कर ले रुजू ले आए ये दर्जनों आयात हैं वो वक्त के साथ आएंगी वरना तो मैं इसी आयत के ऊपर पूरा ये लेक्चर खत्म कर दूंगा फिर आपका वो ये मुसब तो पिछला तो नौ साल में खत्म हुआ यह अठारह साल में भी खत्म नहीं होना लेकिन जनरल मैं बात जरूर करूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि जो बातें बताई गई बिल्कुल नॉनसेंस बातें हैं इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम के अंदर एक मेरा यूट्यूब पे क्लिप भी है अल्लाह की रहमत से धोखा वो आप क्लिप देखें मैंने उसमें क्रॉस रेफरेंस के तौर पे कई आयत पेश की हैं कि ये आपको बिल्कुल कहानी कराई गई है अल्लाह ताला अपने मामलात में बहुत सख्त है अच्छा इसकी वजह से बाद लोगों के दिमाग में ये भी आ जाता है कि यार अल्लाह ताला देखो मोर लगा देता है नाउद बिल्ला अल्लाह ताला की अप्रोच बड़ी कोई फनेटिक वाली है नाउज बिल्ला ऐसा नहीं है ये उन लोगों के लिए है जो जानबूझ के हक़ से इनाद करते हैं तो फिर अल्लाह ताला गजब का कोड़ा उन पर पड़ता है कि यार इनको बात समझ भी आ गई थी इसके बावजूद ये किया अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा अब इनके अंदर हदायत दाखिल भी नहीं हो सकेगी ये बहुत ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न अब इस पे अल्लाह को कोई पूछ नहीं सकता इसको अल्लाह ने बैन किया लाफ अल्लाह को कोई नहीं पूछ सकता उसने कोई काम क्यों किया अल्लाह हर एक को पूछ सकता ये अल्लाह को गिला नहीं किया जा सकता रब है मालिक है उसने अपने लिए रूल तय किया है कि भाई जब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे कोई बंदा पहुँचेगा सच्चाई कबूल करने के बावजूद वो हक़ से इनाद करेगा उसको नज़र आ जाएगी सच्चाई है फिर भी वो इनाद कर देगा फिर मैं मोर लगा दूँगा आओ फिर वक्त का पैगम्बर भी उसको हदायत नहीं दे सकता इन न कल्ला तदीम अहब तो यहदीम शाह एनभी जिससे तुम मोहब्बत करते हो तुम भी उसे हदायत नहीं दे सकते अल्लाह जिसे चाहता है हदायत देता है हदायत किसको देता है सुबुलना जो लोग हमारी राह में कोशिश करेंगे उनके लिए हम अपनी राहें खोलेंगे इस कायनात की सबसे चीज ईमान है जिसके ऊपर हमेशा की कामयाबियों और नाकामियों का फैसला होने वाला है तो आप क्या समझते हैं कि आपको यह राह चलते फुटपाथ पर गिरी पड़ी मिल जाएगी इसके लिए कोई एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ेगी और दुनिया में जिस चीज की मनफियत चंद सालों के लिए हो वो भी इतनी एफर्ट पुट करने के बाद मिलती है और जिससे हमेशा की कामयाबियां आपका मुकद्दर होने वाली हैं आज समझते हैं कि वो आपको चुंगे जी लग जाएगी मुफ्त में ही मिल जाएगी नहीं नॉट एट ऑल मेरी वाइफ ने जब पहली दफा कुरान पढ़ा ना शादी के बाद मैंने उसको एक कुरान क्लास होती थी रमजान शरीफ में तो मैंने कहा मैं बच्चे वगैरह मैं देखूंगा तुम ना सिर्फ एक दफा कुरान पढ़ लो ताकि तुम्हें पता चले कुरान में लिखा क्या हुआ है कुरान आप अकेले बैठ के तो ज़ाहिर है उस तरह नहीं है अब एक माहौल होता है एक डेकोरम है क्लास है जिस तरह यहाँ लोग बैठे तो रमज़ान में पूरा कुरान उसने मुकम्मल किया ना तो मैंने उससे पूछा तुमने क्या यानी इससे हासिल किया उसने कहा जी अल्लाह बहुत सख्त है और जिस खुदा का तारफ़ हमें हमारे माँ बाप और ये मुआर करवाता है वो वो खुदा नहीं है जो कुरान में है अल्लाह तो अपने मामला में बहुत सख्त है ये किताबें इंजार है तबशीर और बिशारत उनके लिए जो बात मानते हैं जो नहीं मानते हैं उनके लिए अजाब का कोड़ा है ये किताब क्योंकि अच्छा। अल्लाह है ना यह कायनात उसने इसलिए बनाई है कि आप जानवरों की तरह खाएं पिए औलाद पैदा करें और मर जाए इंसान को उसने अपने लिए पैदा किया पूरी कायनात इंसान के लिए और इंसान को अपने लिए उबाखलतजन्ना वसा अबुदून अच्छा ये जो बात है ना ख़तम अल्लाम अबसर मोर लगा दी उनके दिलों पर कानों पर आंखों पर पर्दा डाल दिया अब अजाबी उनको आएगा ये आपने अगर बात समझ नहीं है ना तो आप पारा नंबर सात के आखिरी सफे पे आ जाए अनाम में आयत नंबर है वन ओ वन टेन सातवें पारे की आखिरी आयत आपके ये ब्लू वाले कुरान में वन फोर्टी टू नंबर पेज की आखिरी आयत एक सौ दस नंबर हम उनके दिलों को और उनकी आंखों को अकल और उनकी आंखों को वो हक बात ना करें हक से अल्लाह है कि मैं उनको हक से अंधा कर देता हूं कमाल अब वाला मर्रा जिस तरह के इन्होंने भी तो पहली दफा जब इनके ऊपर हक खुला था इन्होंने ईमान लाने से रू गर्दानी की थी ना अब ये चाहेंगे भी ना तो मैं इनको इस्लाम की तरफ नहीं आने दूंगा वह नजर और मैं इनको छोड़ दूंगा अपनी सरकशी में भटकते फिर और अब अगर फरिश्ते भी इनके सामने नाजिल हों वह कल मऊता और मुर्दे कब्रों से निकल के इनके साथ बात करना शुरू कर दे वह कुल्ल शईन और हर चीज जिनका इनसे वादा किया था इनकी आंखों के सामने आ जाए क्यामत भी अजाब भी सब कुछ भी मां कानून नू मीनू फिर भी ये ईमान नहीं लेके आएंगे ये है सर किताबों का खुदा ये नानी अम्मा दादी अम्मा और मामा नहीं है ये अल्लाह है कितनी शक्ति सख्ती है कि फरिश्ते भी आप मुझे बताए किसी से मुर्दा निकल के कबर से कहे कि मेरी तो फैंटी लग गई है आपको तो पूरी जिंदगी नींद नहीं आनी है लेकिन अल्लाह है फिर भी ये मान नहीं लेके आएंगे कर लो जो कह अल्लाह कह रहा हामीशाला हां अगर अल्लाह ही चाहे जबरदस्ती किसी को इस तरीके से हिदायत दे वो अलग बात है वाला किन्ना अक्सर हम यज लेकिन अक्सर लोग जहात का शिकार हैं वो अपनी विशफुल थिंकिंग्स के अंदर अमानी यू जिन्हें कहा गया वो उनमें फिर रहे फिरते रहे अल्ला अपने मामलात में बहुत सख्त है मेरे भाइयों अल्लाह को सीरियस लेने की ज़रूरत है ज़ाहिर है इस कायनात की एक ही हकीकत है वो अल्लाह है अगर उसको कोई सीरियस नहीं लेता तो अल्लाह ताला के लिए क्या है वो तो अपने नबी से तीन दफा कुरान में किलवा रहा है रबी आजाब यमीम एन अभी तुम फरमा दो बिलफर्ज अगर मैं भी अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे खुद इस बात का डर लगा है कि बड़े दिन का आजाब मुझे भी आप पकड़ेगा जी सूरत सूरतनामाम सूर यूनुस सूर अजुमर तीन सूरतों में ये एक आयत तीन दफा है। आप मुझे बताएं जो आपको कहते हैं जनाब हम बख्शवा लेंगे हम अपने मुरीदों को ले जाएंगे और तो खंगन नहीं देना किसी ने उठे तो ये इसलिए कि ना इन्होंने खुद कुरान पढ़ा हुआ है और ना आपको पढ़ने देंगे वरना आपका दिमाग खुल जाएगा ओ जी गॉड इज ऑल लविंग ये क्रिश्चियंस ने भी एक धोखा दिया है ना गॉड इज ऑल लविंग तो मैंने उनको भी फकी दी थी कि अगर गॉड इज ऑल लविंग है और वो ऑल लविंग का सूफिया के हां इधर मुसलमानों में भी दाखिल हुआ वो जी वो अल्लाह अल्लाह को हमारी नवाजें चाहिए और सर अल्लाह ने कब कह मुझे तुम्हारी चाहिए अल्लाह कहता है तुम्हें तुम्हारे लिए नवाजे चाहिए अल्लाह के लिए नहीं अपने लिए God is all -loving. ओ, all -loving उसके लिए है जो उसका बंदा बन जाएगा बागी के लिए नहीं तो फिर मैंने इनको दुनियावी तौर पर एक इल्जामी जवाब एंटी वैनम फकी दी है कि बताओ तुम्हारे दुश्मन की भी बीवी हो अगर कोई और उसके छोटे छोटे, छोटे चार बच्चे हो क्या तुम अपने दुश्मन के लिए ख्वाहिश रखोगे कि उसकी बीवी छोटे छोटे चार बच्चे छोड़ के मर जाए और उसके बच्चे सोतेली माँ के हाथों पिटते रहे उनके मेंटल मॉडल्स तक बदल जाए सारे कहेंगे नहीं नहीं जी क्यों नहीं दिल पसीजता है अच्छा आपका दिल पसीजता है और आपने हमें ये कहानी कराई है कि अल्लाह ताला माँ से इतने गुना और दादी से इतने गुना और नानी से इतना गुना मोहब्बत करता है तो वो अल्लाह रोजाना हजारों ऐसी औरतों को मौत क्यों देता है जिनके चार छोटे छोटे बच्चे होते हैं इस पर सारों की जुबानें गुंग हो जाती हैं अगर वो आ लविंग है क्यों मौत देता है फिर आप तो अपने दुश्मन की बीवी को भी मौत ना दे वो रोजाना हजारों ऐसी माओं को मौत क्यों देता है जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं इसका मतलब है आपने जो एहसासाद डेवेलप किए हुए हैं कि अल्लाह अपने बंदों के साथ ये ये करता है वो वो नहीं है अल्लाह अपने एहसासाद का असीर नहीं है अल्लाह के वो जज्बात नहीं है जो आपके होते हैं वो बेपरवाह है हां जो उसका हो जाए ना उसके लिए मामला अलग है वो सही बुहारी में हदीस है कि जिसने मेरे वली के साथ दुश्मनी की मेरा एलान जंग है उसके खिलाफ और इंसान मेरा कुर्ब नहीं हासिल करता मगर फ़राइज के ज़रिए और नवाफिल पर इस्तिकत के ज़रिए इस लेवल पर पहुँच जाता है कि मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है मैं उसके पाँव बन जाता हूं जिससे वो चलता है अच्छा इधर ही दीस रोक देते हैं सूफिया और वो कहते हैं जी वो खुद ही खुदा बन गया एथू हथ आथ पाएगा एन जो हो जाएगा वो आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है वो जब अपने दुश्मन के अगेंस्ट मुझसे पनाह तलब करता है मैं उसे पनाह अता करता हूँ अगर वो अल्लाह ही से पनाह तलब कर रहा है तो वो फिर हाथ मारने जोगा तो ना ये हाथ बन जाता हूँ पाँव बन जाता हूँ कान बन जाता हूँ इससे मुराद ये कि उसका ओढ़ना बिछोना फिर मैं ही बन जाता हूँ कुल इन सलाती व नुसुकी व महिया या व माति ला रबालमीन नबी तुम फरमा दो बेशक मेरी नमाज मेरी कुर्बानी मेरा जीना मेरा मरना सब अल्लाह के लिए ओढ़ना बिछोना अल्लाह बन जाता है उस सदीस के आगे अल्फाज हैं। अल्लाह तमाम माता है मुझे कभी किसी मामले में हिचकिचाहट नहीं होती सवाए एक मामले के कि जब मुझे अपने किसी मोमिन बंदे को मौत देनी पड़ती है अल्लाह कहता है मैं भी इस पर रिलेक्टेड होता हूं क्यों मेरा बंदा मौत को नापसंद करता है मौत तो किसी को भी पसंद नहीं है इंसान जिंदा रहना चाहता है और ये अल्लाह ने इंसान की क्वालिटी रखी है कि उसे जिंदा रहने की ख्वाहिश है इसीलिए औलिया अल्लाह भी जब खिताब कर रहे हो ना वहां पर स्पीकर फट जाए तो वो भी यूं कर जाते हैं या जनून क्यों करते हैं ये नेचुरल अल्लाह ने रखा हुआ है किसी औलिया अल्लाह को कहना ये सामने ये भट्टा के पास जो बंदूक बड़ी खतरनाक सी इन्होंने तानी भी है किसी औलिया अल्लाह को कहना पढ़ ला कलमा में चला लगाऊँ तो आप देख लें उसकी क्या हालत होगी ये अल्लाह ने नेचुरल रखा हुआ है मौत तो तो अल्लाह फरमाता है कि मैं भी रिलेक्टेड होता हूँ वो अपनी मौत को नापसंद कर रहा होता है और मैं उसे मौत दे के अपने पास लाना चाहता हूँ फिर क्या होता है फिर तो वो कुरान पाक में सूर्य आमी में सजदा में आया ना कि ऐसे लोग में फिर फरिश्ते नाजिल होते हैं उनको बिशारत देते हैं मौत के वक्त और फिर सुन अबी दाऊद में सुनसाई में बड़ी डिटेल्ड अहदीस हैं कि जब ईमान वाले की मौत का वक्त करीब आता है तो बकायदा उसको अमादा किया जाता है कि वो खुद के मैं मरना है वो जब सब कुछ देखता है वो कहता ठीक है जी जान दो पहले नहीं कहता जान दो बड़ा मुश्किल काम है पहले कहना अगर जान दो तो हजरत मूसम थप्पड़ क्यों मारते हैं इसराइल को मेरा वो भी क्लिप चढ़ा है ना बुखारी मुस्लिम मदीस है जो तो ये बहुत सेंसिटिव इशू है अल्लाह तला के बारे में आप अपने दिमाग खोल लें या आप वो किताब खोल रहे हैं जो बाबों की लिखी हुई नहीं है किताब ये अल्लाह की नाजिल करदा किताब है इसको इसी तरीके से समझना है शुरू में ही आपका कांटा निकल जाएगा तो आपको आगे कुरान समझना आसान होगा अल्लाह के मिजाज को समझना है आपने और ये दिमाग में बात तय कर लेनी है कि बाबों का खुदा और है और किताबों का खुदा और ये आप जो पढ़ रहे हैं ना ये वो खुदा है जिसका तारुफ तारफ़ महम्मद रसुल्ला सल्ला वसल्लम ने आपको करवाया ये वो खुदा है जिसका तारुफ पैगंबरों ने करवाया और पैगंबरों ने उन किताबों के जरिए करवाया जो अल्लाह ने उन पर नाजिल की थी ये मौलाना रूम के मसनु शरीफ वाला खुदा नहीं है ये कुरान शरीफ वाला खुदा है ठीक है वो कहते हैं जो मौसमी मौलाना रूम जो है वो फारसी का कुरान है अस्तफर तबली एडिया कहानियां एडे झूठ इतनी अंबिया की गुस्ताखाना वाकत उसके अंदर है और उसको कहते हैं फारसी का कुरान है सर फारसी का कुरान वही होगा जो कुरान का तर्जा फारसी में शाह वली दिलवी ने किया हुआ है बाकी वो कहानियां लिखता रहे वो कुरान नहीं पढ़ता तो ये सारी मैंने गुफ्तगु शुरू में ही कांटा निकाल दिया वमीना नासिमई यकून